सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा सेक्टर 2 निवासी सुमन ठाकुर ने नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में चयन होने के पश्चात सुमन ने अपने अनुभव साझा करते हुए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का आभार दिल से जताया। सपनों को उड़ान देने मेहनत के पंख लगाने होते हैं और साथ ही सही चयन फिर सफलता निश्चित ही तय हो जाती है। कुछ ऐसी ही पहल की थी सेक्टर 2 निवासी सुमन ठाकुर ने। जी हाँ, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का परचम लहराते हुए सुमन ने माता पिता के साथ अपने कोचिंग संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज को भी न सिर्फ गौरवान्वित किया है बल्कि कोचिंग संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का आभार दिल से जताया है। डीपीएस स्कूल से शिक्षित सुमन ने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ज्वाइन किया। वहीं कॉलेज के स्टाफ, वहां के टीचर्स, फैकल्टी, खासकर विद्यार्थियों में उत्साह भरते डायरेक्टर चिरंजीव जैन का साधुवाद दिल से किया। मेरी 8th तक पढ़ाई बीएसपी इंग्लिश मीडियम सेक्टर 2 में हुई है। उसके बाद 9th से 12th डीपीएस भिलाई रिसाली में हुई है। सचदेवा कॉलेज मैंने अपने वाइफ 12th के बाद ज्वाइन किया था। मेरी पहले सिस्टर और फिर मेरे साथ मेरा भाई भी पहले वहाँ पढ़ चुके थे, तो हम लोग इसलिए वहीं पर ज्वाइन किए। वहाँ की फैकल्टी मेम्बर बहुत ही हेल्पफुल थी। हमेशा जब भी डाउट्स पूछने जाओ वो बिना झिझक के तुम पूछ सकते और तुम्हारे डाउट्स क्लियर करती थी। और जैन सर के जो काउंसलिंग सेशन होते थे, जब भी हम डीमोटिवेट हो जाते थे या प्रिपरेशन के दौरान हमेशा लगता है कि यार गिव अप कर देते हैं, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा हमसे, तो वही एक समय रहता है कि जब अपने आप को उठाना पड़ता है। और जैन सर हमेशा उस पॉइंट पे हम लोगों को हमेशा हेल्प करते थे। उनका पास्ट का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चों को उन्होंने गाइड किया, तो वो सब हम वो हमको बताते थे, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। वहीं संस्थान की शिक्षण शैली जैसे काउंसलिंग, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल स्पीचेस को सुमन ने काफ़ी बेहतर बताया। हाँ, टेस्ट सीरीज एक तो काफ़ी अच्छी थी। इतने सारे बच्चों में अलग ही कंपटीशन पता चलता था। और वहाँ पे उसकी स्पेशल बात यही थी कि वहाँ पे जो गेस्ट आते थे हमारे टेस्ट के पहले हमको मोटिवेट करने के लिए, तो वो यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे जो आज इंडिया में कहीं कहीं बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं। तो वो लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपने टाइम की प्रिपरेशन शेयर करते थे, उनकी गलतियाँ, उनके सोचने का तरीका, और आज वो जिस मुकाम पे हैं वो सब कुछ वो हमको बताते थे, तो उससे एक अलग ही मतलब फीलिंग रहती थी कि उनको हम इमेजिन करते थे कि हम भी कभी ऐसा बन पाएंगे तो हम यहाँ पे आ पाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत मोटिवेशन मिलता था। हाँ, मैं जो भी एस्पायरेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो इसको एज अ चैलेंज लीजिए और सोशल मीडिया से हो सके तो दूर रहिए। सोशल मीडिया को एक अच्छे वे में यूज़ करिए जो आपके पढ़ाई में काम आए। फ्रेंड्स ज़्यादा बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, एक या दो हो तो भी काफ़ी है, वो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने चाहिए। और बाकी वही इंस्टीट्यूशन अपना अच्छे से चुनिए, जैसे मैंने चुना सचदेवा कॉलेज, जहाँ मतलब आपको समझ में आए तो आप इस चीज़ का डिसीजन अच्छे से लेना, क्योंकि कोचिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली आपकी 80% मेहनत आपकी रहेगी, लेकिन आपको जो टीचर पढ़ाता है उससे आपको कैसे समझ आ रहा है, किसी को किसी टीचर से समझ आता है, किसी को नहीं आता है, तो उस चीज़ का डिसीजन आप अच्छे से लीजिएगा। और वही है, मैं यही बोलूँगी कि बस वर्क हार्ड ही, मतलब कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए और कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगर हिम्मत हार गए तो आगे तो आप पैसे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं जैसे मेरे को जब भी डीमोटिवेशन लगता था तो मैंने अपने दीवार के सामने कई मैंने कुछ कुछ लिख के रखा था। मैंने जैसे टॉपर्स के इंटरव्यू जो सुनना रहता है वो, उसके लिए मैं बोलूँगी कि आप 10 मिनट निकालिए रोज़, उनके एक्सपीरियंस सुनिए कि वो कैसे पढ़े, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। कॉपी मत कीजिए लेकिन सबका सुनिए और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। तो मैं जब भी डीमोटिवेटेड होती थी मैं बस अपने दिमाग में सोचती थी और सिर्फ अपने पेरेंट्स की तरफ देखती थी कि अगर मैं हार भी रही हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं हार सकती,
मैं सिर्फ उनकी आंखों में देखती थी उनका सपना मुझे पूरा करना है। मेरे से कितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है, मेरी फैमिली में पहले इतनी डॉक्टर्स बन रहे हैं, मैं अभी फोर्थ डॉक्टर हूँ, और जैन सर का सपना है, मेरे इंस्टीट्यूशन का सपना है, टीचर्स की उम्मीद जुड़ी हुई है मुझसे, उनको मैं डिमोटिवेट नहीं कर सकती। तो यही सब सोच के, और मैं दो लाइन लिखी भी थी जैसे मेरे पास अभी भी ये चिपका हुआ रखा हुआ था, तो ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। जीत लूँगी मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, चाहे तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। मंजिल इंसान का हौसला आजमाती है, झूठे पर्दे आँखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर तो मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था, जब भी मैं दुखी होती थी या मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं सिर्फ इसकी तरफ देखती थी और अपने पेरेंट्स की तरफ देखती थी, तो बस ऐसे सफ़र कट गया। अनेक प्रतिभा की धनी सुमन, उसके पिता बीएसपी कर्मी व मां गृहिणी हैं। अपनी आंखों में पुत्री सुमन की सफलता संजोए पिता ने भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में अपनी पुत्री का कोचिंग कराना एक अच्छी पहल बताया, तो वहीं मां ने अपनी पुत्री के चयन पर खुशियां साझा की। हाँ मैडम, मैं सुमन का फादर आरसीएल में हूँ, प्लेट मिल इंस्पेक्शन में। मेरी बेटी जो है शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी रही है, बहुत मेधावी है, और हमारे पड़ोस में चंद्राकर सर थे, जगमोहन चंद्राकर, उनके बच्चे भी सचदेवा से ही आगे बढ़ के डॉक्टर बने हैं। उसके मामा की तीन लड़कियां काजल, अंकिता और सोनल भी, तो इसको ये सबको देख के ये बचपन से ही इसको मोटिवेशन मिलते रहा। और फिर चिरंजीव जैन से जब एडमिशन के लिए गए सर से, तो उनका भी बहुत मोटिवेशन रहा, और ये सबसे अब इसकी मेहनत भी साथ में है और इससे इसको सक्सेस मिला है। मैं इसके लिए वहाँ के डायरेक्टर चिरंजीव जैन सर और वहाँ की फैकल्टी सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, और जिससे मेरी बेटी सफल हो पाई है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, क्योंकि हमारे परिवार में ये चौथे नंबर की डॉक्टर बन रही है। इसके पहले मेरी दो भतीजी और एक भतीजा, वो भी डॉक्टर हैं, और इसका नंबर चौथा है, और सपना था हम लोगों का कि डॉक्टर, बहुत मोटिवेट किए इसको, और उन्हीं के कारण ये बहुत आगे बढ़ी, पढ़ते गई। इसका मतलब बाहर जाना बिल्कुल बंद था, सिर्फ कोचिंग जाती थी और पूरी पढ़ाई घर में ही करी है ये, और इसके ज़्यादा फ्रेंड हैं पर सबसे दो साल से कट के रही है, सिर्फ पढ़ाई करने के कारण। इसका सपना था डॉक्टर। खूबियों में माहिर सुमन को जब कोचिंग संस्थान से उपहार स्वरूप स्टेथोस्कोप मिला, तो वो खुशी से झूम उठी, और खुशी से झूमती हुई माता पिता का आशीर्वाद लेकर रखा हौसला, वो मंजर भी आया, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आया, मंजिल भी मिली, और मंजिल मिलने का मजा भी बहुत आया। जी हाँ, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा पास कर सुमन का चयन मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में हुआ है। सुमन के परिवार से सुमन के अन्य भाई बहन भी जो आज सफल हैं, उन्होंने भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में कोचिंग किया था। सुमन भी अपने संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का आभार दिल से जताती है, और सफल होने के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की पढ़ाई को बेहद कारगर भी मानती है।